दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश भारत आज अपना 74वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। आजादी के बाद पहली बार हिमाचल में स्वतंत्रता दिवस समारोह सामाजिक दूरी में रहकर आयोजित किया गया। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर हिमाचल प्रदेश में कई समारोहों का आयोजन किया गया। राज्य स्तरीय समारोह का आयोजन कुल्लू में किया गया, जिसकी अध्यक्षता सीएम जयराम ठाकुर ने की। इसी तरह प्रदेश भर के अलग अलग जगहों पर जिला व उपमंडल स्तर पर भी कार्यक्रम आयोजित हुए। नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री ने जनजातीय क्षेत्र भरमौर में तिरंगा फहराया। कुल्लू में आयोजित कार्यक्रम में सीएम जयराम ठाकुर ने कोरोना महामारी से उबरकर प्रदेश बाहर आ सके इस बात की कामना की। इससे पहले उन्होंने मार्च पास्ट का निरीक्षण किया व तिरंगा फहराया। कोरोना संकट के चलते इस मर्तबा सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन नहीं किया गया था। इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखा गया था। हिमाचल के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने राजभवन में तिरंगा फहराया। शिमला में जल शक्ति मंत्री महेंद्र सिंह ठाकुर ने ध्वजारोहण किया। इस मौके पर नशा मुक्ति के लिए आसमान पर गुब्बारे भी छोड़े गए। इस दौरान रिज पर लोगों की भीड़ भी साफ नजर आई व सोशल डिस्टेंसिंग नहीं दिखा। मंडी शहर के ऐतिहासिक सेरी मंच पर उद्योग एवं परिवहन मंत्री विक्रम सिंह ने ध्वजारोहण करके परेड का निरीक्षण किया। सर्वप्रथम उन्होंने गांधी चौक पर स्थित राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। ऊना के बाल स्कूल मैदान में जिला स्तरीय स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। इस दौरान सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री सरवीण चौधरी बतौर मुख्य अतिथि उपस्थित हुई। उन्होंने एमसी पार्क में शहीद स्मारक पर जाकर शहीदों को श्रद्धांजलि दी। हमीरपुर में सीनियर सेकेंडरी बाल स्कूल मैदान में खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री राजेंद्र गर्ग ने तिरंगा फहराकर जनता को संदेश दिया। इस दौरान उन्होंने स्वास्थ्य विभाग के अलावा सफाई कर्मियों, पुलिस कर्मियों को भी प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया। विधानसभा अध्यक्ष विपिन सिंह परमार ने धर्मशाला के पुलिस मैदान में आयोजित समारोह की अध्यक्षता की। उन्होंने राष्ट्रीय ध्वज फहराया तथा पुलिस गार्ड, होम गार्ड व एनसीसी की टुकड़ियों द्वारा निकाले गए आकर्षक मार्च पास्ट को सलामी दी। इससे पूर्व विपिन परमार ने शहीद स्मारक में शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की। सोलन में शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज ने जिला स्तरीय स्वतंत्रता दिवस समारोह की अध्यक्षता की। कोरोना काल में भी निरंतर कार्य है, इसी मोटो के साथ ये रास्ता हमारे सामने से गुजरता हुआ। पुरुषों के बाद आ रही है जिला पुलिस महिला वर्ग की टुकड़ी। आज जो है पूरे भारतवर्ष में जो 74वां स्वतंत्रता दिवस जो है बहुत ही हर्ष के साथ मनाया जा रहा है। मैं अपने पूरे देशवासियों को इस स्वतंत्र दिवस की बहुत बहुत बधाई देता हूँ और ईश्वर से यही प्रार्थना करता हूँ कि ये कोरोना का दौर जो चल रहा है पूरी दुनिया में तकरीबन, इससे जल्दी छुटकारा मिले और सबके लिए मैं इनके उज्ज्वल भविष्य की कामना करता हूँ और अपने क्षेत्रवासियों को भी बहुत बहुत स्वतंत्र दिवस की शुभकामनाएं और सबके लिए मेरी जय हिंद, जय प्रणाम। पिया तो रखे साया अभिमान, पिया तो बीती यादों से नाता सहेजना सीखा, हाथ थाम कर जिनके चलना सीखा। गिरने लगती जब तो उनसे संभलना सीखा।
उनकी डांट से खुद को तराशना सीखा। घर से दूर होकर भी दिल को हमेशा यह एहसास रहता है, उनका प्यार और फिक्र हमेशा मेरे साथ रहता है। भूषण ज्वेलर्स, अनमोल रिश्तों के लिए।